अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग किड। जी हम लोग कुरान पाक का कवर बना रहे हैं और कैलीग्राफी में हम लिख रहे हैं बिस्मिल्लाह। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में टोटल 12 रोज़ का जो है वो गाइड किया था और ओवरऑल प्रोसीजर तो सेम है, फुल लिखने का पैटर्न। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये मिड वाला स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा फिर मैं आपको ब्लॉग का एक बताऊंगी रफली कि हम अब क्या करने वाले हैं। तो ये है जो मेरी 12 रोज़ के बाद लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुरान पाक का ये हिस्सा पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं इस साइड पर हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने स्टार्ट करना है। अल्लाह लफ्ज़ जो है उसका बॉटम हम नीचे से स्टार्ट करेंगे मिड में। अच्छा, मेरी उसमें रो बैक साइड से आएगी जब ये स्टार्ट होगा। तो पहले मैं चेन वन करके टर्न कर लूँगी और टर्न करने के बाद फिर हमारी ये वाली रो है थर्ड, और इसमें यहाँ पर चार ब्लॉक हमारे सिंपल हैं और फिर दो ब्लॉक्स में हमने गोल्डन कलर से वर्क करना है और फिर आगे हमारे ब्लॉक्स जो हैं उसकी हम काउंटिंग करेंगे। तो इस ब्लॉक में हमारे पास हो गए 4, फिर 10, 14 और 15, 16। 16 स्टिचेस के बाद फिर हमने इसको स्टार्ट लेना। तो पहले मैं 4 स्टिचेस जो है वो ब्लू कलर से वर्क करूँगी। 1, 2, 3 और 4। 4 को हम अनकम्प्लीट छोड़ देंगे क्योंकि बैक साइड है, इसलिए इसको मैं फ्रंट पे करूँगी थ्रेड को। और मैं अब स्विच करूँगी सेकंड कलर पर, और सेकंड कलर मेरा गोल्डन यूज़ हो रहा है तो गोल्डन कलर से इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर दो हैं गोल्डन कलर से हमने वर्क करना। ब्लू को हम बीच में हाइड करेंगे और 1, 2 कंप्लीट, फिर गोल्डन को हम अपनी तरफ छोड़ेंगे और हम कंप्लीट करेंगे ब्लू से। और अब हमने टोटल स्टिच काउंट किए थे अपने 4 और 10, 14 और 16। अब हम 16 सिंगल क्रोशे करेंगे ब्लू से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ कलर स्विच करना है और यहाँ पर 3 स्टिच हैं हमारे गोल्डन के। तो अब हम 3 स्टिचेस जो हैं उसमें गोल्डन से वर्क करेंगे। 1, 2 और थर्ड को हम फिर अधूरा छोड़ के कंप्लीट करेंगे ब्लू से, ठीक है। आगे हमारे 3 स्टिचेस के और आगे 8 स्टिच नेक्स्ट ब्लॉक में, तो 8 और 3 हो गए 11। 11 टाइम्स हमने सिंगल क्रोशे करना है ब्लू कलर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर इसको रीडू छोड़ देंगे यहीं पर और हम इसको कंप्लीट करेंगे गोल्डन कलर से। और हमारे इसमें अब पैटर्न में यहाँ पर जो गोल्डन कलर से रोज़ हैं उसमें 4 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो हम 4 स्टिचेस जो है वो कंप्लीट करेंगे गोल्डन कलर से। 1, 2, 3 और ये 4। फिर से इसको ड्रॉप डाउन करके हम लेंगे मेन कलर ब्लू
और हमारे बकाया स्टिचेस कितने बचते हैं। 1 2 3 4 5 5, ठीक है, 5। और मैंने यहाँ पर एक अपना ज़ायद किया था स्टिच, तो मेरे 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। चेन वन करके मैं टर्न करूँगी, तो ये लुक आई है हमारे उस पैटर्न को स्टार्ट होने की। अच्छा, ये देखिए कि आपका कम से कम जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए मिड में, स्टिचेस जो हैं उनमें गोल्डन कलर, ताकि नीटनेस जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो अब हम इससे नेक्स्ट रो जो है वो उस पर वर्क करेंगे। फिर से मैं सिंगल क्रोशे ब्लू से स्टार्ट करूंगी, 2, और फिर से काउंट कर लूंगी। अगर आप कलर करना चाहें इसको तो कलर करते जाएं साथ साथ, अदरवाइज अगर आप पेपर को फोल्ड करना चाहें हर रो के बाद, उससे ये है कि बस पेपर आपका थोड़ा ख़राब हो जाएगा, आपके पास पैटर्न जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह फोल्ड करके अपनी जो रो वर्क कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी रो में 4 स्टिचेस हमने वर्क करने हैं, और फिर आगे 4 गोल्डन, फिर आगे काउंटिंग करके उतने स्टिचेस, और फिर आगे काउंटिंग। तो काउंटिंग मस्ट है, काउंटिंग कर करके ही आप पैटर्न पर वर्क करेंगे और आपका पैटर्न फुल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि कुरान पाक का इसमें हो चुका है। इस तरह हम ये फुल पैटर्न पर वर्क कर लेंगे, और अब इसको फुल वर्क करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसके साथ नीचे बॉर्डर कैसे बनाएंगे, और इसको दोनों फ्रंट और बैक साइड को ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट कर लें पैटर्न सेम इसी प्रोसीजर से, कोई भी इसमें वो नहीं है फ्रंट और बैक साइड से वर्क करते हुए, बस आपने स्टिचेस को काउंट करके ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके स्टिचेस हमेशा सेम रहें, हर रो के स्टिचेस आपके सेम रहेंगे तो आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक होगा। अगर कहीं पर भी स्टिचेस डिस्टर्ब हुए तो आपका पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर मिस्टेक निकलती है तो इसका मतलब है कि आपका जो पैटर्न है वो उसमें नंबरिंग में कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है। जी, पैटर्न मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा बता दूँगी, गाइड कर दूँगी कि यहाँ पर जो कुरान पाक मेरा था और जिस साइज़ का मैंने बनाया कवर, वो माशाल्लाह से काफ़ी लंबा था, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो मैंने आपको पहले भी मेजरमेंट करके बताई थी, और वो थी 11.8, और अप्रोक्सीमेटली फुल जो है वो 12 ही आप कर लें कि 12 इंचेस जो है वो लंबा था। तो इसके ऊपर और नीचे मुझे बॉर्डर जो है वो काफ़ी अच्छे से मिल गई जगह कि मैं बॉर्डर उसका बना सकूं। लेकिन जो मैं अब कुरान पाक का कवर बना रही हूँ उसकी टोटल जो मेजरमेंट है वो 10 इंचेस है, तो मैं इसके ऊपर और नीचे बॉर्डर जो है वो नहीं बना सकूँगी। लेकिन मैं वीडियो में एक पार्ट में आपको बॉर्डर का लाजमी गाइड करूँगी, इतना सा पैटर्न, और वो सिर्फ पैटर्न वीडियो होगी, ठीक है। तो आप ऊपर और नीचे बिल्कुल इसी तरह जैसे इस कुरान पाक में बॉर्डर बना है वो आप बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले आप उसी से स्टार्ट लें। पैटर्न आपने कंप्लीट कर लिया अपना पैटर्न पिक्चर के मुताबिक, और उसके बाद मैंने ऊपर और नीचे की तरफ सिंगल क्रोशे करके और फिर बॉर्डर पर वर्क किया। तो जो कुरान पाक का साइज़ अब है उसमें 10 इंचेस जो है वो मैंने बनाना है, और मेरी बैक साइड जो है वो पूरी 10 इंचेस कंप्लीट है। तो इसके साथ हम इसको मेजर करेंगे, और फिर मैं देख लूँगी कि मेरी ऊपर और नीचे कितनी मज़ीद जो है वो रोज़ मैं ऐड कर सकती हूँ इसका डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये आपके सामने है
वन टू थ्री, इसका मतलब है कि छह लाइनें, एक दो तीन चार पाँच छ, छह लाइनें जो हैं वो मेरे पास है गैप फ्रंट पैटर्न जो है वो मेरा 10 इंचेस से छह सिंगल क्रोशे की लाइनें जो हैं वो कम है, तो इसलिए बैग का पहले बनवा लिया। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी मज़ीद लाइनें और बनानी है जो आप ऊपर और नीचे प्लस करेंगे। अगर हम सिर्फ इंचेस में मेजरमेंट कर लेते तो हमें ये अंदाज़ा तो हो जाता कि हमारे 8 पॉइंट और हमारे पास हैं, लेकिन ये अंदाज़ा करना फिर मुश्किल था कि हम कितनी रोज़ और बनाएंगे तो हम ऊपर और नीचे ऐड कर सकेंगे। तो अब मैं तीन और तीन जो हैं वो ऊपर और नीचे रोज़ कंप्लीट कर सकती हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें अब बॉर्डर का डिज़ाइन दूं, मेरे ख़्याल से मैं इसको सिंपल रखना चाहूँगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सिंपल लाइंस दे दें, अगर आपके कुरान पाक का कवर छोटा है और आपने अब उसको अपनी लेंथ के मुताबिक करना है तो सिंपल गोल्डन कलर की लाइन से आप उसकी एजिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल क्रोशे हम करेंगे, एक सिंगल क्रोशे मैं ऊपर करूँगी और फिर साइड पर हमने सिंगल क्रोशे करना है। और साइड पर सिंगल क्रोशे करने का प्रोसीजर ये है कि हम अपनी लाइंस को काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और जितनी हमारी लाइंस होंगी काउंट करके उतने ही सिंगल क्रोशे हम लंबाई में इस साइड पर बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे की लाइन नीचे की तरफ आएगी, राउंड में वर्क करेंगे, और फिर सेकंड वाली साइड पर एक सिंगल क्रोशे की रो आएगी और ये कंप्लीट होगा साइज़। अगर आपका साइज़ इस पैटर्न के साथ चौड़ाई में बिल्कुल ठीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस साइड पर सिंगल क्रोशे की लाइंस ना करें, डायरेक्ट यहाँ पर आप ये वाला पार्ट जो कुरान पाक का हमारा फोल्डिंग वाला पार्ट है जिसमें हम उसकी मोटाई पर वर्क करेंगे उसका डायरेक्ट आप स्टिचेस करके वर्क करें। और उनका ये ध्यान रखना है, फिर भी आपने लंबाई में इन सारे स्टिचेस को काउंट करना है और उतने ही यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने हैं। मैंने ये रो डबल क्रोशे से की है, उतने ही डबल क्रोशे आपने बनाने हैं जितनी कि आपकी जो ऊपर फ्रंट पेज का पैटर्न है उसकी लाइंस हैं, ठीक है। और आपके फ्रंट पेज और बैक पेज का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा इस में फ्रंट पेज जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से फुल कंप्लीट है, लेकिन बैक पेज जो है वो थोड़ा सा मेरा मेजरमेंट में कम है। तो मैं बैक के लिए दोनों साइड्स पर सिंगल क्रोशे ज़रूर करूँगी और वो मेन ब्लू कलर से ही करूँगी और फिर इसको इसके साथ अटैच करूँगी। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो डबल क्रोशे हम स्टार्ट करेंगे। और डबल क्रोशे आपने कितना करना है, आपने कुरान पाक की मेजरमेंट करनी है ऐसे, डेढ़ इंच है ये, तो आपने डेढ़ इंच तक डबल क्रोशे की रोज़ करनी है। अब मैंने यहाँ पर तीन रोज़ की हैं डबल क्रोशे की, आई थिंक हाँ एक दो और तीन, तीन लाइनें की हैं, तो वो डेढ़ इंच जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ है 2 mm हुक के साथ। अगर आपके कुरान पाक की यहाँ पर चौड़ाई तीन दफ़ा डबल क्रोशे करने से ज़्यादा आती है, आपका कुरान पाक एक इंच जो है वो चौड़ा है, तो आप सिर्फ दो लाइनें कर लें। अगर आपका और ज़्यादा है तो आपने उसकी चौड़ाई के मुताबिक उसकी लाइंस करनी है। अगर 2 inch किसी का है चौड़ा तो यहाँ पर मोटाई उसकी उतने मुताबिक उसके करनी है। और अगर आपकी सेटिंग नहीं आती है, मतलब कि मैं 3 lines भी करती हूँ और फिर भी मेरा थोड़ा सा 0.2 या उतना रह जाता है, तो उससे आप सिर्फ ये कर लें कि आप सिंगल क्रोशे की एक और रो कर लें, प्लस कर लें, या फिर हाफ डबल क्रोशे की। तो आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि हमने इस चीज़ को कितना करना है, कैसे करना है। तो मैं पहले काउंट कर लूँगी अपने टोटल लाइंस की स्टिचेस को और उसी हिसाब से मैं डबल क्रोशे वर्क करूँगी इसकी मोटाई के लिए। दो उसकी ब्लू लाइंस मैंने ऊपर बनाई हैं और दो ही ब्लू लाइंस मैंने नीचे की साइड पे बनाई हैं। और अब मेरे इस कवर की जो मेजरमेंट है वो फुल 10 inches हो गई है।
ठीक है, 10 इंचीज हो गई है। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने अच्छा सा और प्यारा सा लुक देने के लिए बॉर्डर जो है वो पीकॉट स्टिच का बना दिया है लास्ट में। तो ये मैं बॉर्डर आपको बता दूंगी इस साइड पर कि कैसे बनाना है। हम अटैच करेंगे जिस कलर से आप अपना ये बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं वो फूल। स्लिप नॉट लगाकर मैं अटैच करूंगी। और चेन वन कर लेंगे, ठीक है। बीच में मैं ब्लू वाली टेल को भी हाइड करूंगी। चेन वन कर लिया और सेम इसी स्टिच में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। ऐसे मैं स्टार्ट लूंगी। अब मैं 4 सिंगल क्रोशे करूंगी। 1, 2, 3, 4 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद चेन वन करूँगी और मैं पीकॉट करूँगी सेम उसी स्टिच में जिसमें हमने सिंगल क्रोशे किया। उसके ऊपर 2 लूप्स में हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे। 1, 2, 3, 4 और फिर से हम पीकॉट स्टिच बना लेंगे। चेन वन करेंगे और इन दोनों में मैं इंटर करूंगी और इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी, ठीक है। फिर चेन 4, तो ये रो फुल कंप्लीट कर लूंगी मैं सेम इसी प्रोसीजर से। ये हमारे ऊपर एजिंग बन जाएगी जो कि हमारा बॉर्डर ऐसे लगेगा फिर, ठीक। और मैंने टोटल काउंट की हैं तो लंबाई में मेरी जो रोज़ हैं वो टोटल बन रही हैं 66। पहले 60 रोज़ थी और फिर जब मैंने 3 रो ऊपर और 3 नीचे जमा की तो 66 लाइनें जो हैं वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम ब्लू कलर अटैच करके डबल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे। और डबल क्रोशे की ये भी 1.5 इंच चौड़ा कुरान पाक है, मतलब मोटा कुरान पाक है, तो मैं इसके लिए भी डबल क्रोशे की 3 लाइनें कर लूँगी, ठीक है। और जो डबल क्रोशे के स्टिचेस मेरे यहाँ पर बनेंगे वो 66 होंगे क्योंकि हमारी ये लाइंस 66 हैं, तो जितनी लाइंस होंगी उतने ही हम स्टिचेस में वर्क करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। मैं डबल क्रोशे वर्क करने लगी हूँ। बिल्कुल एजिंग पे मैंने स्टार्ट ले लिया है और चेन वन करने के बाद सेम इसी स्टिच में मैं एक डबल क्रोशे करूँगी, ठीक। और फिर हम नेक्स्ट रो में जाएंगे और डबल क्रोशे करेंगे। 2, उससे नेक्स्ट वाली लाइन हमारी उसमें डबल क्रोशे करेंगे। 3, फिर हमारी नेक्स्ट लाइन ये वाली है, यहाँ करेंगे। 4, आगे ये वाली लाइन है। 5, ठीक है। तो ये देखें, अब ये हमारी रो नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 रोज़ हैं हमारी यहाँ तक। 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने ऊपर इसके यहाँ पर 5 DC किए हैं। तो जिनके कुरान पाक की चौड़ाई पूरी हो गई है वो इस तरह DC वर्क करेंगे और वो 3 रोज़ हम करेंगे DC की और हमारी कुरान पाक की जो मोटाई है वो कंप्लीट होगी। और जो अभी
एजिंग है, उनके कुरान पाक की चौड़ाई जो है वो कम है, बॉर्डर रेडी करने, ये पैटर्न रेडी करने के बाद वो यहाँ पर सिंगल क्रोशे की रोज़ करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें की है। सिंगल क्रोशे की रो एक कंप्लीट करने के बाद फिर बैक लूप में डबल क्रोशे स्टार्ट किया है, तो एक कॉर्नर सा क्रिएट हो जाती है एजिंग सी, ठीक है। वो फिर कुरान पाक में इस तरह एजिंग सी एक क्रिएट हो जाएगी, वो करेंगे। इसको कंप्लीट कर लूँगी, जैसे 5 डबल क्रोशे मैंने बनाए, इस तरह मैं 66 फुल रोज में डबल क्रोशे वर्क कंप्लीट कर लूँगी जी। मैं इसकी भी एजिंग बना चुकी हूँ, दोनों लंबाई की साइड पर मैंने सिंगल क्रोशे की एक रो और एक रो इस साइड पर कर ली है। अब हमने कुरान पाक के दोनों कवर्स को जो फ्रंट और बैक साइड का है ऐसे रख के, तो इनकी मेजरमेंट देख लेनी है कि अब बिल्कुल बराबर है, ये लंबाई में भी बिल्कुल बराबर हैं, और फिर चौड़ाई में भी देख लेना है फ्रंट साइड से कि ये बिल्कुल बराबर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पार्ट को हम यहाँ पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ ये अंदर की तरफ कुरान पाक का फोल्ड करने वाला पार्ट। तो एक सिंगल क्रोशे की रो मैं कर चुकी हूँ, अब यहाँ पर हम चेन वन करके टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद जब मैं वर्क करूँगी तो मैं जो मेरी साइड के लूप्स हैं सिर्फ उनमें मैं, ये टेल है मेरी लास्ट रो के वर्क की भी, उन लूप्स में मैं डबल क्रोशे करूँगी, और उसके ऊपर के लूप्स जो फ्रंट साइड से हमारे ऊपर की एजिंग लाइन है चेन की, उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं डबल क्रोशे करूँगी, और अंदर फोल्ड करने के लिए जो मैंने बॉर्डर बनाया है वो भी सिंपल डबल क्रोशे से ही बनाया है, और डबल क्रोशे की आप 3 रोज़ कर सकते हैं, 3 to 4 रोज़ से आपकी इसकी मोटाई जो है वो सेम उतनी ही आएगी जितनी आप अंदर रखना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें सिंपल ऐसे जो मेरी साइड के फ्रंट चेन के लूप्स हैं उनमें करूँगी, और ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो हमारे ऊपर एजिंग आ जाए ये एक लूप्स की, और वो बड़े अच्छे से एक नीट सा वर्क जो है वो लगता है, ठीक है। सॉरी। और ये कंप्लीट होगा, हम लोगों की ये वाली साइड बन रही है। ये तो यहाँ पर ये है गलाफ, ठीक, ये, और गलाफ के यहाँ पर ये वाली एजिंग जो है वो हम बना रहे हैं, तो ये देखिए ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और हमारा ऐसे यहाँ पर आएगा। तो अंदर आप जितनी रोज़ रखना चाहें, 1, 2, 3, 4 रोज़ मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए छोड़ी हैं। ये उसकी बाहर से लुक है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे हम, मैं 4 रोज़ कंप्लीट कर लूँगी, और फिर यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशे करके हम अटैच कर देंगे, और अटैच करने का प्रोसीजर सेम वही होगा जो मैं यहाँ पर इसकी सेंटर वाले पार्ट को, जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको मैं दोनों साइड्स पर ज्वाइन करूँगी, और ज्वाइन मैं स्लिप स्टिच से करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँगी, और फिर आपको अंदर इसके भी मोड़ने वाला बना लूँगी, और यहाँ पर इसका जो है वो यहाँ पर बनेगा, और उसको फिर हम अंदर मोड़ने के लिए बना लेंगे फ्रंट साइड से। यहाँ पर ये बिस्मिल्ला है, तो ये अंदर मोड़ने के लिए होगा, और यहाँ पर हम उसको सिलाई करेंगे, बाद में अटैच करेंगे। इस वाले एरिए का ये ऐसे होगा, और यहाँ पर हमारे ऐसे ये अटैच हो जाएगा, और ये एक बुक की शक्ल इख्तियार कर लेगा कवर, और इसको हम रेडी कर लेंगे। तो रेडी करके जो लुक होगी वो ये होगी, सेंटर से ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और अंदर फोल्ड करने वाले ऐसे होंगे। यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच करेंगे,
इस साइड से हम इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच करेंगे। ऐसे ही इसका अंदर फोल्ड करने वाला स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच होगा और यहाँ पर फोल्ड करने वाला स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच होगा और ये कवर खुद इसके साथ भी फुल स्लिप स्टिच के साथ ही अटैच होगा, क्योंकि हमने एक साइड पर वर्क कर लिया तो अब हम सेकेंड साइड जो है उसके साथ ज्वाइन जब करेंगे तो हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर आपका ये खूबसूरत सा प्यारा सा कवर फुल रेडी हो जाएगा। अब मैं इस वाले को कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट करने के बाद आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइनिंग थोड़ी सी बता दूँगी और फिर मेरा फुल पैटर्न जो है वो इसका कवर का कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ कवर को और ये आपके सामने है। इसकी 4 डीसी की लाइंस की हैं अंदर फोल्ड करने के लिए और इस साइड पे भी 4 डीसी की लाइंस हुई हैं अंदर फोल्ड करने के लिए। और हमारे यहाँ पर जो हमने उसकी मोटाई के लिए रखा है वो भी 1, 2, 3, 4 डीसी की लाइंस हुई हैं और इसकी जो है पेजेस के लिए कवरेज वो सारी ये है, ठीक है। 1.5 इंच मैंने इसको रख दिया। अब ये फ्रंट पेज के साथ मैंने बना ली थी एजिंग और इसको मैंने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया बैक साइड को। तो स्लिप स्टिच कैसे किया वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये भी मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, बैक का भी ये वाला पॉइंट स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और ये वाला पॉइंट भी स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब फ्रंट का मेरा ये रह गया है तो सिंपल है, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो में थोड़ा सा बता दूं। आपने यहाँ से एक चेन का एक लूप लेना है और जो आपका सामने काम है उसका आपने एक लूप लेना है और आपने इसको स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा लूज़ हैंड से स्लिप स्टिच करना है क्योंकि टाइट से ज़्यादा जो है वो आपके यहाँ पर झोल सा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चेन्स नहीं है क्योंकि चेन्स में हमने ये बना ली एजिंग, तो ये थोड़ा सा चेन्स की बैक साइड से आपने लूप लेना है तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है जहाँ पर आपने ये डिज़ाइन बनाया। ऐसे स्लिप स्टिच करके हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। जितने पार्ट्स हमारे ज्वाइनिंग के हैं वो मैंने सारे स्लिप स्टिच से किए हैं और टेल्स को अंदर हाइड करके गिरा लगा के अच्छे से बाइंड कर देना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ मैं इसको कट करूँगी थ्रेड को और कट करने के बाद यहाँ से सिक्योर कर लेना है और करने के बाद हम हुक को यहाँ से इंटर करेंगे और इसको थ्रेड को अंदर कर लेंगे, ठीक है। अंदर करने के बाद इसको ऐसे करके तो अंदर हम कहीं पे भी 2-3 गिरें लगाकर किसी भी स्टिच के साथ इसको बाइंड कर देंगे। आपका कवर जो है वो फुल रेडी हो चुका है। ये कुराने पाक नहीं है मेरे पास, ये ऑर्डर पर वर्क किया है, तो जब इसको कुराने पाक के ऊपर चढ़ा लेंगे तो इसकी लुक और परफेक्ट आ जाएगी। होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी रिंग कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में मिल सके। माशाल्लाह से ये दोनों कुरान पाक कवर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पास एक डायरी पड़ी हुई थी, वो उस डायरी के ऊपर मैंने चढ़ा के इसको देखा है। इसकी मेजरमेंट जो है वो मतलूबा कुरान पाक की मेजरमेंट के मुताबिक थी और वो इतना अच्छा ऊपर सेट आया है। इसी तरह अगर हम लोग साथ साथ मेजरमेंट करके काम करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट लुक आती है और आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।